जैसा कि मैं थोड़ी ये ज़रूरी जानकारी देने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट जानकारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये टाइल जो लगी हुई है, अगर तो ये सीधा एरिया होता है, जैसे कि ये मान लो कि सीधी टाइल जो है इसके अंदर चली गई, ठीक है, तो ये जो है क्या है, टेपर में लगी हुई है इस तरह, तो ये हमें इसका कॉर्नर बनाना पड़ता है, ठीक है, इस टाइल का, तभी ये टेपर में ऐसे लगती है। ये आप देख लीजिए, ये ऐसे लगी हुई है, ठीक है, ये सीधी नहीं लगी हुई है, ये ऐसे लगी हुई है टेढ़ी। तो जैसे स्क्वायर में तो आसान होता है जोड़ना, पर लेकिन इसके लिए हमें इसका नोक बनाना पड़ता है टेपर में लगा रही है, ताकि इस टाइल में जो है जगह ना रहे बीच में, ये पूरी तरह जुड़ जाए, जैसे ये जुड़ी हुई है। अभी इसका ग्राउटिंग थोड़ा बाकी है, जब ग्राउटिंग लग जाएगा तो पूरा हो जाएगा। तो ऐसे ही ये भी मैंने इसके ऊपर टाइल चढ़ाई हुई है कॉर्नर बना के। डिज़ाइन इसलिए मैच नहीं हुआ क्योंकि इसकी कटिंग जो है वेस्टेज कवर करने के लिए किया गया है, क्योंकि नई टाइलें जो थी, टाइल इसकी और मिली नहीं मार्केट से, इसलिए हमें यह है कटिंग जो है इसकी, जो बचे हुए पीस थे उससे पूरी करनी पड़ी। तो नोक आप देख लीजिए, नॉर्मली जैसे हम ये 45 डिग्री नोक बनाते हैं, कलम बनाते हैं, तो वैसे ही कलम बनानी होती है हमें ये टाइल के ऊपर चढ़ाने के लिए। ये टाइल इस टाइल के ऊपर चढ़ी हुई है, तो ऐसे ही ये वाली टाइल इसके ऊपर चढ़ी हुई है, आप देख लीजिए। तो ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एक तरह से और दिखाता हूँ। ये बाथरूम पूरी तरह से ऐसा ही है, जैसे ये देखो, ये वाली टाइल इसके ऊपर चढ़ी हुई है नोक बनाकर, और ये तो एरिया सीधा है, इसीलिए यहाँ से सीधी ऐसे लग गई टाइल और यहाँ से ऐसे लग गई, ठीक है। पर लेकिन जब ये सीधी जाती है तो ऐसे ये सीधी तो हो गई, लेकिन ये वाली टाइल जो है ऐसे है, यानी कि ये ऐसे है, टेपर में ऐसे, ठीक है, ऐसे, इसलिए इस वजह से यहाँ से नोक बनानी पड़ती है, ताकि टाइल जो है पूरी तरह से जुड़ जाए। तो इस बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्योंकि इन बातों की कई बार दिक्कत होती है, जैसे कोई भी नई पहली बार हम टाइल लगा रहे होते हैं तो हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता। तो ये वीडियो जो है इस टॉपिक पे है, जैसे ये चौगाट लगी हुई है लोहे की, तो यहाँ पर हमने इसको इसकी नोक बना के इसको पूरा साथ में लगाया हुआ है जोड़ के, ताकि ये गैप ना रहे। तो इसमें क्या है, ये जो चौगाट है पूरी इस तरफ से लेवल से बाहर है, ये साहल में कम से कम 1.5 इंच का फ़र्क है, इसीलिए टाइल को हमें थोड़ा सा ऊपर को उठाना पड़ा। और है तो यहाँ पर भी ऐसा, पर यहाँ पर पता नहीं चल रहा। यहाँ पर देखिए, आप ऊपर से देखेंगे नीचे तक तो ये आपको पूरा बराबर ही मिलेगा, ये जो है एरिया बराबर मिलेगा, लेकिन ऐसा होना नहीं था। अगर ये लेवल में लगती टाइल, लेवल में लगती तो क्या होता है, ये टाइल बाहर को आ जाती और ये चौगाट जो है ये अंदर ही रह जाती, तो बहुत बुरा लगता। तो इसीलिए हमने ये जो टाइल है ये थोड़ी सी आपको दिखा देता हूँ लेवल में। तो ये जो है आप देख लेंगे लेवल में, जैसे मैं लेवल सेट कर रहा हूँ जॉइंट पे, ये मैंने जॉइंट में सेट कर लिया, तो आप देख रहे हैं बबल्स कहाँ जा रहा है। ये टाइल्स मैंने थोड़ी सी ऊपर को उठाई हुई है, ऊपर को मतलब ये जो है हिस्सा, हमने ये टाइल जो है ऐसे ऊपर को थोड़ी अंदर हो जाए, ताकि जो चौगाट है ये जो है ये ज़्यादा ही मतलब अंदर की तरफ है, इसीलिए इस टाइल को हमने इस तरह से सेट किया, ताकि ये जो है अंदर को टाइल्स भी चले जाए, जैसे चौगाट लगे वैसे ही टाइल्स लग जाए और ये काम जो है बुरा ना दिखाई दे, क्योंकि चौगाट को उखाड़ना और इसमें बहुत ज़्यादा क्या है वेस्टेज होना था, टाइम भी बहुत वेस्ट होना था, लेकिन इस वजह से क्योंकि अब पूरा लेंटर वगैरह सभी पूरा काम कम्प्लीट है। तो इन बातों को दोस्तों अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको काम जो है बहुत ही आसान हो जाएगा करना। तो जितना हो सके डिज़ाइन आप मिलाना, जैसे कि मैंने ये डिज़ाइन पूरा मिलाया हुआ है, ये कॉलम है, ठीक है, ये आगे की तरफ से पूरा मैच कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप ऊपर से देखेंगे ये पत्थर यहाँ से कटा है, यहाँ से जोड़ के लग गया। तो ऐसे ही ज़्यादातर आपको टाइल जो है लगानी है। अभी कॉर्नर जो है इसका आपको मोबाइल में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, पर लेकिन जब ग्राउटिंग भरेंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे ध्यान से तो ये देखिए पूरा साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है, नाखून भी अंदर नहीं घुस सकता, इसमें इतना गैप नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना। और मैं हर रोज़ लाइव होता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर रात को 9 बजे। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए, और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी, अगर आप उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वो ग्रुप स्पेशली मिस्त्रियों के लिए है, उस ग्रुप में आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई भी जानकारी की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो मिस्त्री ही आपको दे देंगे जो उस ग्रुप में मिस्त्री हैं। और उस ग्रुप में बता दूँ कि इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट बहुत सारे हैं, मिस्त्री हमारे देश के तो हैं, इंडिया के और विदेश के भी हैं। तो आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी पत्थर के ऊपर, टाइल्स के ऊपर मिलती रहेगी।